हेलो एवरीवन, लेजर स्किन वाइटनिंग एक बहुत इंगेजिंग टॉपिक हो गया है. जो हमने लास्ट वीडियोस बनाए थे उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड लोग कॉल्स करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. और इसके साथ कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस भी लोगों के दिमाग में हैं, जिसके ऊपर मैं आज एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बना रही हूँ. तो ज़रूर इस वीडियो को आप सुनना और आपके दिमाग में जो लेज़र स्किन वाइटनिंग के कुछ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं वो ज़रूर बस्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहला मिथ ये है कि स्किन ब्राइटनिंग इज सेम एज स्किन ब्लीचिंग. तो स्किन ब्लीचिंग मतलब जो आप ब्लीच पाउडर्स वगैरह करते हो उसको रेफर कर रहे हैं. तो यूजुअली लोगों को लगता है कि स्किन ब्राइटनिंग तो ब्लीच जैसे ही है, तो वाई शुड बी गेट अ लेज़र स्किन ब्राइटनिंग, हम तो घर में ब्लीच कर लेते हैं उसी से हमारे को अच्छा लगता है. तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. स्किन ब्लीचिंग एक केमिकल को यूज़ करती है जिसमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन के सरफेस के ऊपर जो गंदगी होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको ऑक्सीडाइज करता है और आपको एक क्लीनर लुक मिल जाती है. वेयर एज स्किन ब्राइटनिंग आपके स्किन के डीपर लेवल पे काम करता है और अंदर से पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन करके आपको इवन टोन देता है. सो दिस इज नॉट सेम एज स्किन ब्लीचिंग. स्किन ब्लीचिंग एक सुपरफिशियल प्रोसीजर है, वो सिर्फ स्किन के ऊपर वाले सरफेस पे काम करता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. वेयर एज स्किन ब्राइटनिंग डीपर एरियाज में काम करता है और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है. मिथ टू कि स्किन ब्राइटनिंग के, लेज़र स्किन ब्राइटनिंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. नहीं, कोई भी मेडिकल टेक्नोलॉजी तभी इंट्रोड्यूस की जाती है पब्लिक के लिए जब उसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स का एक प्रॉपर ट्रायल या स्टडीज हुई. क्योंकि इसके अंदर लेजर्स यूज हुए हैं जो मेडिकली अप्रूव्ड हैं, तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. जब मैं बोलती हूँ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसका मतलब कि आपके सिर्फ वन वीक, कई बार कुछ पेशेंट्स में 10 डेज तक कुछ माइल्ड ड्राइनेस रहती है. वो इसलिए रहती है कि जब लेज़र अपना काम करता है तो वो एक डैमेज क्रिएट करता है जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी रीजनरेशन करती है. उस रीजनरेशन के टाइम पे आपको ड्राइनेस रह सकती है. सो यही एक इसका साइड इफ़ेक्ट है. इसके लिए बहुत इजी होता है, हम आपको जो मॉइस्चराइजर्स और सनब्लॉक देते हैं आप उनको यूज़ करो और 10 टू 15 डेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है. मिथ 3 कि स्किन ब्राइटनिंग सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए, मतलब जो काले हैं बस वही कराएं. दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. जिसको अपना स्किन कलर, ओरिजिनल स्किन कलर अचीव करना है, यानी कि किसी भी कारण से, सन डैमेज से या किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपका जो ओरिजिनल कलर है वो दब गया था, वो अब नहीं रहा और आपकी फेस और नेक के अंदर मिसमैच हो रहा है, वो लोग आराम से स्किन ब्राइटनिंग प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर हम आपका जो ओरिजिनल कलर है वो वापस ले आते हैं विथ लेज़र स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट. मिथ 4, एक्सपोजर टू लेज़र बहुत डैमेज क्रिएट करता है, तो लेज़र से तो बिल्कुल काम नहीं कराना चाहिए. ये सबसे बड़ा मिथ है. मैंने पहले भी बताया, लेज़र एक लाइट टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो एक ऐसी रेडिएशन है जिसको आपको मोबाइल रेडिएशन या माइक्रोवेव्स इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए. वो एक नॉर्मल लाइट की तरह है, जो हमारी विजिबल लाइट होती है. लेज़र्स भी उसी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से बनते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ सिमिलर टू योर लाइट्स दैट वी सी. सो इट इज़ नॉट अ आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज हैं या गामा रेज हैं, इस तरह की आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है. इसीलिए लेज़र्स आर सेफ टू यूज़. हाँ, डेफिनेटली लेज़र्स को यूज़ करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि हमारे को स्किन पे एक एडिक्वेट एनर्जी यूज़ करनी है या आइज को प्रोटेक्ट करना है रेटिनल डैमेज के लिए, तो वो डेफिनेटली वो प्रिकॉशंस है, पर वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. सो लेज़र्स आर एक्सट्रीमली सेफ टू बी यूज्ड. मिथ नंबर 5 कि लेज़र स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स आर वेरी पेनफुल.
नो नॉट एट ऑल लेजर स्किन ब्राइटनिंग बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर्स है. इनफैक्ट इसके लिए तो हमें फेस पे कोई भी नंबिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप आ सकते हैं इमिडिएटली, आपको हम इस लेज़र ब्राइटनिंग प्रोसीजर के लिए ले सकते हैं. कोई भी नंबिंग तक की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर. इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस. सो प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन दैट मिथ. आई होप कि आप ये सारे मिथ्स को समझ गए होंगे, इनको साइंटिफिक एंगल से देखेंगे और लेज़र स्किन ब्राइटनिंग पे जाने के लिए घबराएंगे नहीं. फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, सो दैट कि आप कोई भी इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट, मेडिकल कंटेंट हमारे एंड से मिस ना करें. टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.